आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही छोटे प्लॉट जिसका साइज है 35 बाई 11। आपने सही सुना, 35 बाई 11 का ये प्लान है। यहाँ पे मैं आपको साइजेस वेरीफाई करा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जो है इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 35 फुट। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लियर, 35 फुट है, 35 फुट का मत्था है और इसको हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे जो है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का जो है लेआउट हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एंट्रेंस, किचन, डाइनिंग एरिया, बेडरूम, कॉमन बाथरूम और सीढ़ी, ये सारी चीज़ें आपको इस प्लान में मिलने वाली है। आपके सामने एक ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान है और यहाँ पे मैं इस प्लान की पूरी डिटेलिंग आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लॉट साइज की। तो यहाँ पे प्लॉट का जो साइज है 11 फुट लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 35 फुट है। यहाँ पे जो है फ्रंट से ये प्लॉट ओपन है, बाकी तीनों साइड जो है दूसरे की जमीन से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है सिर्फ सामने से है, तो उस हिसाब से इसकी पूरी प्लानिंग की हुई है। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे एंट्रेंस की जो ओपनिंग है वो 3 फुट 6 इंच चौड़ी है और हाइट आप रख सकते हैं 8 फुट। उसके बाद एंट्री करते ही सामने आपके यहाँ पे सीढ़ी आ जाता है जिससे कि आप सीधे जो है फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। ये ऑप्शन हमने यहाँ पे एंट्रेंस का इसलिए ले रखा है कि आपका अगर प्लान हो रेंट पे देने के लिए, कि ऊपर जो भी हम बनाएंगे उसको रेंट पे देंगे, तो उस कंडीशन में ये प्लान सही बन सकता है आपका। और अगर नहीं, कि अगर आपको लगे कि यहाँ पे जो एंट्रेंस नहीं देनी मुझे, तो आप इस वॉल पे कहीं भी जो है एंट्रेंस दे सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो हमारा कॉमन टॉयलेट है। तो यहाँ पे इसका साइज़ काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमें। तो इसकी चौड़ाई आप 4 फुट 6 इंच देख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है पूरी पूरी है 9 फुट 10 इंच। यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है डोर का जो चौड़ाई रहेगा वो 2.5 फुट का रहेगा। उसके बाद जो है हमारा जो है सीढ़ी यहाँ से अप हो रहा है और यहाँ पे आके फर्स्ट फ्लोर पे लैंड कर जाता है। तो इसमें हमने जो है 15 स्टेप लिए हैं। 15 स्टेप पे जो है आपका कंप्लीट फर्स्ट फ्लोर पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे आप सीढ़ी की चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे 2 फुट 9 इंच की चौड़ाई रहेगी एक साइड की और कंप्लीट जो चौड़ाई रहेगी वो है आपका 5 फुट 6 इंच। और इसकी जो पूरी लंबाई हम लेंगे यहाँ पे वो 9 फुट 10 इंच रहेगा। लेकिन अगर हम सीढ़ी तक लंबाई की बात करें कि सीढ़ी तक कितना होगा, तो ये आपका 6 फुट 6 इंच बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो है ट्रेड का साइज हमने ले रखा है 9 इंच का। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते क्योंकि फिर आगे स्पेस नहीं बनेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और सीढ़ी के जो नीचे वाला है जो एरिया है, आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत जो भी आपको स्टोर करना है आप वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने किचन और डाइनिंग, जो कि आपका कंबाइंड है। तो यहाँ पे जो है किचन आपको मिल जाता है काफ़ी अच्छे साइज़ का और यहाँ पे 4 लोगों की डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे कुकटॉप है और यहाँ पे आपका सिंक है और इधर आप फ्रिज कहीं भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके साइज़ की तो यहाँ पे जो है तकरीबन जो है 11 फुट चौड़ा है, 1 इंच कम है, 11 फुट आप मान सकते हैं इसे। और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 9 फुट 10 इंच। तो ये काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाता है आपको। और यहाँ पे जो है एक 5 फुट की विंडो आपको मिल जाती है और यहाँ पे 2 स्लिट्स विंडो मिल जाती हैं जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 1.5 फुट। उसके बाद आते हैं हम अपने बेडरूम साइज़ के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेडरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे आपको किंग साइज़ का बेड मिल जाता है दोनों साइड। अगर आप साइड टेबल रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप किसी एक साइड रख सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है अलमारी मिल जाती है, यहाँ पे एलसीडी प्लस यहाँ पे जो है वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे विंडो का जो साइज़ रहेगा 2.5 फुट रहेगा, 2.5 फुट इसका साइज़ है। और बीच में जो है आपका यहाँ पे एलसीडी रखने के लिए 4 फुट 4 इंच की स्पेस मिल जाती है। अगर आपको एलसीडी नहीं रखना तो आप सेंटर में भी यहाँ पे विंडो दे सकते हैं बड़ा सा। अलमारी की बात करें तो यहाँ पे जो है अलमारी का साइज़ जो है आपको 6 फुट 6 इंच का मिल जाता है पूरा। और यहाँ पे जो है बेड का साइज़, तो आप जैसा कि मैंने बताया किंग साइज़, यानी 6 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई हो सकती है या फिर 6 फुट हो सकती है और लंबाई जो है 6.5 फुट तक जा सकती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें।
अब हम बात कर रहे हैं बेडरूम साइज की, तो यहाँ पे जो है बेडरूम का जो साइज है वो 12 फुट चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो 9 फुट 10 इंच है। काफ़ी अच्छा साइज है बेडरूम का, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज होता है 12 बाई 10 का, वही साइज आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, कि इसका एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन अगर हम इस मैप के हिसाब से करते हैं तो कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, कितनी लागत लगेगी। तो इसके लिए जो है कम से कम लागत जो है 5 लाख आपको लेकर चलना होगा इस एक फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के लिए। यहीं पे हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर में जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सेम डिज़ाइन बना के रेंट पे देना है तो आपका नॉर्मल जो है ये ग्राउंड फ्लोर का ही मैप फर्स्ट फ्लोर पे भी जाएगा, यही सेम डिज़ाइन आपका बनेगा फर्स्ट फ्लोर पे भी। लेकिन अगर आपको एक सिंगल फैमिली के लिए जो है 2 बेडरूम चाहिए, एक हॉल चाहिए, तो उसके लिए आप फर्स्ट फ्लोर पे हॉल ले जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हॉल और ये बेडरूम आपका पूरा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन और डाइनिंग का स्पेस जो है यहाँ से ये पूरा हटा के आप हॉल बना सकते हैं, और कोई चेंजेस नहीं है। प्लस फर्स्ट फ्लोर पे एक और चीज़ आपको मिल जाती है, सामने बालकनी मिल जाएगी 3 या 4 फुट, जो भी आप निकालना चाहें। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके।